चिल्ड्रेन हेलो वेलकम अगेन लेट्स टुडेज लेसन टूडेज डेट इज़ एट ऑफ फरवरी 2021 डे इज़ मंडे सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर एंड आयर टॉपिक इज लेसन नंबर अलादीन एंड द मैजिक लैंप पार्ट वन चिल्ड्रन आई यू ऑल मस्ट हैर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन कार्टून भी देखिए होगी की जिसमें अला को एक मैजिक लैम्प मिलता है और वो किस तरह से उस मैजिक लैम्प एंड जूनी की हेल्प से बहुत सारे काम करता है यू मस्ट हैव सीन द मूवी आल्सो ओके सो दिस इज़ द सेम स्टोरी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी लेसन सिक्सटीन अलादीन एंड द मैजिक लैम्प नाउ फर्स्ट द करेक्टर्स कौन कौन करेक्टर्स है इस स्टोरी में फर्स्ट इज अलादीन हु वाज अलादीन ही वाज द सन ऑफ अ पुअर टेलर अ पुअर टेलर सन मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा वॉज अलादीन डैड फादर

अलादीन एंड हिज मदर आर ईटिंग अ सिंपल मील ऑफ़ ड्राई ब्रेड एंड वेजिटेबल सूप अलादीन और उसकी मदर बैठ के अपने घर में खाना खा रहे हैं सिंपल मील है बिकॉज दे वर वेरी पुअर और उनके फादर की भी डेथ हो गई है अलादीन के अब आप वो लोग बहुत ही पुअर हैं और इसलिए वो ड्राई ब्रेड और वेजिटेबल सूप का डिनर कर सिंपल मील खा रहे हैं इवनिंग टाइम में सो एक तरह से डिनर करें Aladdin, ना अलादीन ना अलाद्दीन इज सिंह मदर आई मेट माई अंकल इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग मैं अपने अंकल से आज स्ट्रीट पर मिला था आज सुबह जरीना सरप्राइज वो सरप्राइज हुई बहुत योर अंकल डीट ही टैल यू हिज नेम तुम्हारे अंकल क्या उन्होंने अपना नाम बताया था अलादीन अब अलादीन फिर कह रहे हैं ही सैड हीज़ फादर्स ब्रदर अलादीन ने कहा कि वो कहते वो मेरे फादर के ब्रदर थे सो so, जरीना सैड मुस्तफ़ा ब्रदर बिकॉज अलादीन फादर के क्या नाम था मुस्तफा सो ही सेट शी सेट मुस्तफा के ब्रदर वट डिड ही सेम उसने क्या कहा एंड जब वो बात कर रहे थे देन एट द डोर देन जरीना सैट दैट नॉइज हु इज देयर अलादीन गो एंड फाइंड आउट तो जब आवाज़ हुई नॉक हुए डोर पे तो जरीना सैट ये नॉइज़ कैसा है वहाँ कौन है अलादीन जाओ जाके देखो अला अब अगला दिन गोज एंड ओपन द डोर जाके उसने ओपन किया डोर को ग्रीटिंग्स अंकल मदर मदर कम क्विकली अंकल हैज़ कम टू सी यर्स और जैसे उसने बाहर जाके देखा उसने कहा ग्रीटिंग्स अंकल ग्रीटिंग्स मतलब वट एवर द टाइम वॉज गुड इवनिंग और जो भी होता है हम नमस्ते करते हैं सो so, इंग्लिश में वी से ग्रीटिंग्स ओके देन शीज कॉल सॉरी ही कॉल आउट हर हिज मदर ही सेट मदर मदर जल्दी आओ एंड ंकल हैज कम टू सी विजर्ड ना दिस वॉज द फॉल्स अंकल एंड ही वॉज अ विजर्ड विजर्ड वॉज अ मेजिशियन ओके एक बहुत ही दुष्ट मजिशियन था ये सो इसके पास बहुत सारी मैजिक पावर्स थी सो ही वॉज कॉल्ड एज विजर्ड हेअर ही सेट ग्रीटिंग्स टू यू अलादीन और उसने बहुत प्यार से कहा ग्रीटिंग्स टू यू अलादीन नमस्ते अगेन उसने भी किया एंड अलादीन को कहा देन जरीना कम्स टू द डोर देन अला दीन्स मदर शी ऑल्सो कम्स टू द डोर एंड

आई एम योर डेड हसबेंड्स ब्रदर जरीना तुम मुझे याद तुम्हें बिल्कुल याद नहीं तुम मेरे को बिल्कुल भूल गई हो मैं तुम्हारे हसबैंड का ब्रदर हूँ नाव जरीना मुस्तफ़ा ब्रदर आफ्टर सो मैनी ईयर्स प्लीज़ कम इन साइड डू सिट डाउन अब जब उसको लगा कि हो सकता है ये ब्रदर ही है उसका बिकॉज दे वर वेरी पुअर तो वो ये भी नहीं सोच सकते कि वो उनके किसी काम के लिए आए होंगे सोच ही सेट कि ओके okay, मुस्तफ़ा के ब्रदर हो और इतने सालों बाद आए हो ओके okay, चलो आओ अंदर आ जाओ और प्लीज सिट डाउन देन देट विजट सेट थैंक यू प्लीज बी अपॉन यू उसने थैंक यू करा और उसको फिर बहुत ब्लैसिंग भी दी एंड देन अला दीन से कहा अला दीन आई नीड योर हेल्प

कल मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा सीक्रेट प्लेस पे वहाँ पे मैंने अपना ट्रेजर छुपा के रखा है एंड तुम मेरे लिए वो ट्रेजर निकाल देना बिकॉज मैं तो बहुत ओल्ड हूँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पे और अगर तुम मुझे मेरा ट्रेजर ला के दोगे तो मैं तुम्हें बहुत रिच बना दूंगा देन अला दिन सेट अफकोर्स अंकल आई विल गैच यूर ट्रेजर फॉर यू मैं तो आपका ट्रेजर आपको ला दे दूंगा डिजर्ट सेट थैंक यू वी विल लिव अर्ली इन द मॉर्निंग उसने कहा कि हम लोग कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे नाउ सीन टू अब दूसरी जगह सीन आ गया अलादीन एंड द विज़र्ड आर इन अ नैरो वैली द विज़र्ड लाइट्स अ फायर एंड थ्रोज अ मैजिक पाउडर इन इट द अर्थ शेक्स टेरिबली एंड द ग्राउंड ओपन्स देर इज बिग स्क्वायर स्टोन विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन इट अलादीन दीन इज एस्टोनिश्ड ना अलादीन और विज़र जो थे एक बहुत ही नैरो वैली में गए एक बहुत ही पतली सी बहुत ही नैरो सी वैली में गए वैली इज अ प्लेस जो दो जगह से माउंटेन से घिरी होती है ओके एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वैली इन योर ईवीएस लेसन ऑल्सो जो माउंटेंस के दो माउंटेन्स के बीच में एक प्लेन लैंड होता है दैट इज़ कॉल्ड अ वैली अ विजर्ट ने वहाँ पे बिकॉज इट वॉज अ वैली सो उसने वहाँ पे जाके लाइट ऑन की एक लाइट जलाई एक व्हाट कैन यू से एक मशाल टाइप की जलाई एंड देन उसके ऊपर एक मैजिक पाउडर डाल दिया अब मैजिक पाउडर डालने के बाद वहाँ क्या हुआ अर्थ जो थी वो शेक करने लगी एक वहाँ पे जैसे उसने उस ग्राउंड में आग लगाई और वहाँ पे मैजिक पाउडर डाला तो वहाँ पे अर्थ जो थी शेक करने लगी और वहाँ पे वो ग्राउंड जो था वो ओपन हो गया और वहाँ पे जो थी एक बहुत बड़ा सा बिग स्क्वायर स्टोन था जिसके ऊपर राउंड ब्रास की रिंग लगी हुई थी अब अलादीन ने जब ये सब मैजिक देखा तो वो बहुत स्टॉनिश्ड हुआ बहुत सरप्राइज हुआ एंड विजर्ट सेट अलादीन पुल अप द ब्रास रिंग और उसने कहा विजर्ट ने अलादीन इस ब्रास रिंग को ऊपर खींचो अलादीन सेट यह संकल और उसने उस पुल्स ऑफ द रिंग और उसने उस ब्रास्टिंग को खींचा द स्टोन मूव्स टू वन साइड ही सीज द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जैसे उसने इस रिंग को खींचा जो स्टोन था वो एक साइड पे हो गया और अल्लाह ने वहाँ क्या देखा ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स उसने नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ देखी विजर्ड नाउ गो डाउन एंड लुक फॉर एन ओल्ड डैम्प ब्रिंग इट टू मी दैन टेक वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम द केव उसने कहा विजर ने अब तुम नीचे जाओ और वहाँ जाके एक मेरे लिए एक ओल्ड डैम को ढूंढना तुम मे वो मुझे दे देना और नीचे जाके जो कुछ भी तुम्हें मिलता है जो तुम्हारा मन करे वो तुम अपने लिए ले, ले लेना चाह अलादीन यस अंकल गोल्स डाउन एंड एंटरस एन ए नॉर्मस केव और अलादीन ने कहा ओके okay, अंकल और वो नीचे जाके एक बहुत बड़ी सी gave me gaya aladdin it's very dark in here but what's that shining over there rubs his eyes gold and jewels what shall i take with me this box of jewels or these box of gold coins now where's the lamp ah there it is i wonder why uncle wants this dirty old lamp नाव जब वो नीचे गया उसने देखा बहुत डार्क था उसने कहा यहाँ तो बहुत अंधेरा है फिर उसको एकदम रोशनी सी लगी उसने कहा अरे वहाँ क्या चमक रहा है और उसने जब अपनी आंखें रब करके देखी तो उसने देखा वहाँ बहुत सारे गोल्ड और जूल्स थे अब वो इतने सारे गोल्ड और जूल्स को देख के सोचने लगा मैं अपने साथ क्या क्या ले जाऊँ गोल्ड ले जाऊँ जूल्स ले जाऊँ क्या ले जाऊँ और फिर वो से याद आया कि उसे लैंप लेना था उसने देखा अरे लैंप कहा है फिर उसे लैंप मिल गया एंड ही थॉट कि ये अंकल इतने पुराने गंदे से लैंप का क्या करेंगे उधर बाहर मिजर्व वॉसिंग आउटसाइड हर ब्रिंग मी द लैंप क्विकली उसको कह रहा था जल्दी करो जल्दी से मेरे लिए ले लैंप लेकर आओ अलादीन आई एम कमिंग अंकल आई हैव द लैंप स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स आई गिव इट टू यू बट फर्स्ट लेट मी कम आउट इन टू द

तुम बहुत विकेट बॉय बहुत, बहुत बुरे लड़के हो जल्दी से मुझे लैंप दो नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और मैं तुम्हें यहीं केव में बंद करके चला जाऊंगा नाउ अलादीन सेट आई वॉन्ट द लैम्प मैं आपको बिल्कुल लैंप नहीं दूंगा बिजर्ट सेट पहले बहुत गुस्से में बोला एंगली देन स्टे इन द केव तो ठीक है तुम केव में रहो थ्रो सम मैजिक पाउडर ऑन द स्क्वायर स्टोन एंड शाउट्स अ स्पेल द स्टोन मूव्स एंड शर्ट्स द केव I cannot get the lamp myself. Someone has to get it for me. If I try to get it, I will die. अब गुस्से में उसे बोला ठीक है तुम केव मेरा जब अल्लाद्दीन ने उसे लैंप नहीं दिया और उसने जल्दी से कुछ मैजिक पाउडर निकाल के उसी स्क्वायर स्टोन पे फिर से डाला और एक स्पेल बोला एक जादू का चीज़ बोली एंड देन स्टोन जो था फिर से वो मूव किया और केव अगेन बंद हो गई और वह जो विजर था वो अपने मन में कहने लगा मैं अपने आप से लैंप नहीं ले सकता क्योंकि मैं अगर अपने आप से लैंप लेने गया तो मैं मर जाऊँगा इसलिए किसी को तो मुझे वो लैंप ला के देना ही पड़ेगा कोई ऐसा हो जो मुझे वो लैंप ला के दे दे टेक्स द लैम्प एंड नाउ अलादीन आई कांट गेट आउट हेल्प हेल्प अंकल वाई हैव यू शट इन सॉरी ओह वॉट शेल आई डू If I light this old lamp, I may find my way out. I'll clean it first. अब अलादीन जब अंदर बंद हो गया तो उसने वो कहने लगा अरे मैं बाहर कैसे आऊँ हेल्प करमा चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प अंकल तो आपने मुझे क्यों बंद कर दिया और बहुत रोते हुए बोलने लगा कि अब मैं क्या करूँ फिर उससे याद आया उसने कहा मेरे पास ये लैंप है चलो मैं इस लैम्प को जलाता हूँ और हो सकता है मेरे को रोशनी में कोई रास्ता मिल जाए तो उसने कहा चलो अब मैं इस लैम्प को पहले क्लीन करता हूँ टेक्स द लैम्प एंड रब्स इट ऑन हिज शर्ट आज जिनी अपियस और उसने जल्दी से लैम्प निकाल के उसे अपनी शर्ट पर रब किया और उसमें से क्या निकला एक जिनी जिनी आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैम्प माई होम इज इन द लैम्प एंड द मैन हु ओन्स द लैम्प ओन्स मी व्हाट आर योर विशेज अब जिनी ने बाहर निकल के क्या कहा मैं इस लैम्प का सर्वेंट हूँ और मैं इस लैम्प के अंदर रहता हूँ एंड द मैन हु जो इस लैम्प का मालिक होगा वही मेरा भी मालिक होगा और फिर उसने अलादीन से कहा वट आर योर विशेज नाउ अलादीन एम आई ड्रीमिंग देन ही पिंचज हिम आउच आई एम अवेक दिस इज मैजिक जिनी कैन यू टेक मी होम अलॉन्ग विद ऑल दिस जूल्स तो अब अलाउद्दीन ने जब जिनी को देखा उसको लगा वो ड्रीम देख रहा है वो सोच कहने लगा क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ एंड देन ही पिंचज हिम सेल्फ एंड सेट नो आई एम अवेक एंड दिस इज़ मैजिक तो जिनी को उसने ऑर्डर किया कि क्या तुम तो मुझे ये सारे जूल्स के साथ घर पहुँचा सकते हो जिनी सेट सर्टेनली मास्टर अवे वी को और जिनी ने कहा ओके okay, हम अब चलते हैं अलाउदीन मोमेंट्स लेटर ओह आई एम बैक इन माई हाउस अगेन जिनी थैंक यू यू सेव माई लाइफ और दो मिनट में ही वो घर पहुंच गए एंड देन अलादीन ने कहा कि आ मैं अपने घर में वापस आ गया और चीनी को उसने थैंक यू कहा फॉर सेविंग हिज लाइफ नाउ जरीना अलादीन अलादीन व्हाट हैपेंड और जरीना इतना जब बाहर आई उनकी मदर बाहर आई अलादीन की ही शी अला अलादीन क्या हुआ था ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी और उसने अपनी मदर को पूरी स्टोरी सुनाई नाउ जरीना

कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी और कभी उन्हें नहीं बताना कि तुम कहाँ रहते हो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो चिल्ड्रन आपको भी कभी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी और कभी नहीं बताना कि आप कहाँ रहते हो कौन कौन लोग हैं आपके घर में न ओला दिन ऑल्सो सेट येस मदर आई रिमेंबर दैट ओला दिन का येस yes, मदर मैं हमेशा याद रखूँगा अला दीन बिकेम वेरी रिच विद देल्प ऑफ द जीनी एंड ही एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पिल एवर आफ्टर और अला दिन बहुत रिच हो गया इस जीनी की हेल्प से और वो और उसकी मदर बहुत खुशी खुशी उसके बाद रहने लगे सो चिल्ड्रेन दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू